नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद आपके घर में। अगर आप भी चाहते हैं अपना घर बैठे इलाज, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आलू सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण भोजन स्रोतों में से एक है और अपने स्वस्थ लाभ के कारण यह पूरे विश्व में प्रमुख आहार के रूप में उपयोग में किया जाता है। आलू सबसे ज़्यादा एंडीज, पेरू और बोलविया में पाए जाते हैं। आलू बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी होते हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड में बदल कर शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है आलू, जिसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। तो आलू हमारे वजन बढ़ाने के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि आलू वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह वजन बढ़ाने का एक स्वस्थ विकल्प है। आलू मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है और यह उन दुबले या पतले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। आलू में विटामिन सी और विटामिन बी मौजूद होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के समुचित अवशोषण में भी मदद करते हैं। यह एक कारण है कि आलू पहलवानों के भोजन का एक बड़ा हिस्सा है। तो देखा दोस्तों, आपको हमने पहले टॉपिक में बताया कि आलू से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि वजन बढ़ाने में कितना बेनिफिट होता है। तो चलिए चलते हैं, हमारा दूसरा नंबर आता है इसमें। इसे अगर हम अपनी बॉडी पर लगाएं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज तत्वों के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कच्चे आलू का गूदा शहद के साथ मिक्स करके त्वचा और चेहरे को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। यह त्वचा पर मुहासों और निशानों का इलाज करने में भी मदद करता है। यदि इसके गूदे को त्वचा के जले हुए हिस्सों पर लगाया जाए तो यह बेहतर रूप से इलाज करता है। आलू के टुकड़े त्वचा को साफ और कोमल रखने के लिए, खासकर कोहनी के आसपास और हाथों को पीछे के लिए बहुत फायदेमंद हैं। तो देखा आपने, हमारा ये दूसरा टॉपिक था। और तीसरा टॉपिक है हमारा कि गठिया बाई में कैसे राहत मिलती है। आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ये खनिज पुरुष और महिलाओं दोनों में ही हड्डियों को नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। आलू में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे विटामिन्स गठिया से राहत प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उबलते आलू से प्राप्त पानी गठिया के दर्द और सूजन से राहत देता है। हालांकि अधिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह शरीर के वजन को बढ़ाता है, जिससे संशोधित के लोगों को पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका सेवन किए बिना यह एक सहायक रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट था। अब इसको चौथा पॉइंट जो हमारा वो है कि कैंसर से कैसे बचाता है हमें आलू। कुछ प्रकार के आलू विशेष रूप से लाल और भूरे रंग वाले होते हैं, जिनमें फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए होते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ आपकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा कृषि अनुसंधान सेवा में किए गए शोध से पता चला है कि आलू में एक क्वेक्सटीन नामक यौगिक होता है, जिसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर के गुण होते हैं। अंत में विटामिन ए और विटामिन सी के उच्च स्तर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कैंसर के विनाशकारी प्रभाव से आपके शरीर को सुरक्षित करता है। तो दोस्तों, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि आलू से का सेवन मस्तिष्क के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो आलू मस्तिष्क का काम ग्लूकोज के उचित स्तर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न घटक, एमिनो एसिड और ओमेगा 3 जैसी फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आलू ने ऊपर बताई गई सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं और रक्त ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखते हैं। यह मस्तिष्क की थकावट को रोकता है और आपकी संज्ञानात्मक गतिविधियों और प्रदर्शन को अधिक रखता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो रक्त में ही हीमोग्लोबिन द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है।
आलू में मौजूद विटामिन और खनिज जैसे फास्फोरस, जस्ता और विटामिन बी मस्तिष्क के कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे आने वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को